प्रभु बस मुझे अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं है प्रभु। कीट बनकर आए या आपके चरणों में शीश काटा, मैं तो मृत्यु का पहले ही आलिंगन कर चुका हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। तथास्तु। आपकी इच्छा के अनुसार अब से तृतीय पहर में आप हलाहल के 1% तीव्रता वाले कीट में परिवर्तित हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, मुझे पता था कि आप मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं कृतक हो गया प्रभु, कृतक हो गया। आपको कोटि कोटि नमन मेरा। अपना ध्यान रखे चिराग और प्रयत्न करिए कि मन से वैर निकल जाए। हनुमान अभी तक नहीं आए। अंजना, हनुमान आते ही होंगे, तब तक हम पूजा की तैयारी करते हैं। मैंने उसे कल भी वन जाने से रोका था, और कल भी और आज भी वो मुझे अपनी बातों में उलझा कर चले गए। अंजना क्या बात है, 2 दिवस से हम देख रहे हैं कि आप बहुत चिंतित हैं। क्या आप हमें सत्य नहीं बताएंगे? कुछ नहीं बस। अंजना आप हमें सत्य से अवगत कराएं। सही समय आने दीजिए, मैं सब बता दूंगी। आज श्रावण आरंभ हुआ है, चलिए प्रभु की आराधना करते हैं। आज तुम प्रभु को दुग्ध स्नान कराओ। ठीक है माते। तुम प्रभु को जलाभिषेक करो।
प्रभु शिव पर अर्पित कर दूं? हाँ हाँ पुत्र, आप प्रभु को बेल और पुष्प अर्पित कीजिए। थाली रख दो। माते। अंजना, अंजना। माते। क्या हुआ? माते। अंजना। देखिए ना पिताजी, माते को क्या हुआ? अंजना, माते, पिताश्री देखिए ना माते को क्या हुआ? आंखें खोलो माते, आंखें खोलो। अंजना, देवी, क्या हुआ? आप इतने क्रोध में क्यों हैं? क्रोध? क्रोध नहीं प्रभु, मैं क्षोभ और विस्मय से त्रस्त हूँ। क्यों देवी, ऐसा क्या हो गया? क्यों, आपने देखा नहीं ऐसा क्या हो गया? जिस दुष्ट को आपने वरदान दिया था, उसने आपके ही भक्त को काट लिया। अंजना के लिए आपका वरदान श्राप सिद्ध हुआ है स्वामी। आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया स्वामी? देवी, हमने आपसे कहा कि आप चिंतित ना हो, बस इस लीला का दर्शक बन के आनंद लेते जाइए। क्यों होगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे हो, इन सभी प्रश्नों के उत्तर समय आपको स्वयं दे दे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। आप अचानक? माते, मैं प्रभु की अनुमति के साथ साथ विनती करने भी आया। अनुमति किस कार्य की और विनती क्यों? प्रभु, मेरे प्रभु नारायण ने मुझे कुछ कहा और आपने जो आदेश दिया है, मैं उसी विषय में आपसे वार्ता करने आया। कैसी वार्ता देवर्षि नारद? हे देवी, नारायण ने इन्हें कोई कार्य सौंपा है। ये उसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष आए हैं। किंतु आपने क्या आज्ञा दी है प्रभु? हमने इनसे कह दिया कि ये विष्णु जी की लीला में उनकी तत्परता से सहायता करें। किंतु प्रभु? नहीं देवऋषि, यह कार्य तो आपको करना ही होगा। किंतु प्रभु, मेरा वहां जाना उचित होगा? देवऋषि, आपका ना जाना अनुचित हो जाएगा। वैसे भी आपने यहां पर आकर पहले से ही बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया। अब तक तो आपको सुमेरु में होना चाहिए। किंतु प्रभु, मैं किंतुओं और परंतुओं के भेद में ना पड़े।
समय की सीमा मत लांघिए। विष्णु जी ने जो कार्य सौंपा है उसे पूर्ण कीजिए। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। जी प्रभु, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने यहां आकर केवल समय नष्ट ही किया। मुझे आज्ञा दे प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते, नारायण नारायण। नारद का सुमेरु में क्या कार्य? आप ठीक हो जाएंगे माते, माते आप ठीक हो जाएंगे, माते आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजवीर जी। प्रणाम राजवीर जी। प्रणाम राजवीर जी। ये देखिए ना, क्षमा करें महाराज, मैं महारानी का उपचार करने में अक्षम हूं। आप मेरी माता का उपचार क्यों नहीं कर सकते? हनुमान, मेरे पास इस विष का कोई तोड़ नहीं। महारानी पर जिस प्रकार के विष का प्रभाव है वो अत्यंत ही तीव्र है। मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का विष कभी नहीं देखा। इन पर दी हुई कोई भी औषधि महारानी की स्थिति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं करेगी। तो क्या राजवीर जी अंजना इसी प्रकार? नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। ऐसा नहीं है महाराज केसरी, इस विष का उपचार है। हाँ महाराज केसरी, यदि मेरे माते को बचाने का कोई उपाय है तो कृपया मुझे बताइए देवऋषि। नारायण नारायण। एक चिकित्सक धन्वंतरी हनुमान। हाँ हनुमान, केवल देव चिकित्सक धन्वंतरी है जो इस विष की काट अवश्य जानते हो। मैं अभी जाकर धन्वंतरी जी को लेकर आता हूँ। मुझे आज्ञा दे पिताश्री। हाँ पिता, अब जाइए। हे राजन, आप चिंता ना करें राजन, जो भी होगा प्रभु नारायण की इच्छा से कुशल ही होगा। तो क्या मुझे आज्ञा है महाराज? आज्ञा। प्रणाम। मुझे भी आज्ञा दे महाराज। प्रणाम देव। नारायण नारायण। अंजना तुम ठीक हो जाओगी? अंजना तुम ठीक हो जाओगी? हनुमान गए ना, और हनुमान और धन्वंतरी जी दोनों ही बहुत शीघ्र आएंगे। प्रणाम देव जी सर। ओ हनुमान, आओ आओ पुत्र, आओ हमारे समक्ष आने का प्रयोजन। हाँ धर्मंत्री जी, मेरे आने का प्रयोजन है। माते और हम सब जब प्रभु शिव की उपासना कर रहे थे तब उनके पैर पर एक अद्भुत सा दिखाई देने वाला एक कीट ने उन्हें डस लिया है। राज वैद्य का कहना है कि उसके दंत से निकला विष बहुत ही तीव्र है। मेरी माता की स्थिति बहुत ही गंभीर है।
कृपया आप चलकर उन्हें कोई औषधि दे और मेरे माता के प्राण बचा ले। मैं नवीन औषधि तैयार करके सुमेरु आ जाऊंगा पुत्र। नहीं, आप मेरे साथ अभी चलिए, मेरी माँ पर इसका प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है और वो अभी तक अचेत है। मुझे उनकी बहुत ही चिंता हो रही है। चलिए धर्मंत्री जी, आप अभी चलिए, मेरे साथ चलिए। पुत्र, मेरी स्थिति को समझो। श्रावण माह में कई प्रकार की व्याधियां जन्म लेती हैं। समस्त संसार का कल्याण करने के लिए मैं एक नवीन औषधि तैयार कर रहा हूँ। जैसे ही औषधि तैयार हो जाएगी, मैं चरक को बताकर सुमेरु आ जाऊंगा। और तब तक मेरी माते को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायक कौन होगा, बताइए। आप तो जनमानस के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। आपको मेरे माँ के प्राण बचाने के लिए मेरे साथ चलना ही होगा। मैं अपने परियों को बीच में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ हनुमान? आप अभी जाओ, मैं वचन देता हूँ। मैं औषधि की विधि तैयार होते ही औषधि की विधि चरक को बताकर सुमेरु आ जाऊंगा पुत्र। आप अभी जाओ। मनुष्य मात्र के कल्याण को छोड़कर एक जीवन की भी सही नहीं सोच रहे हो। ये अनुचित है, ये अनुचित है। ये आप सही नहीं कर रहे हो। मुझे छोड़ दीजिए हनुमान, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे क्षमा कीजिए, ये अनुचित है। जय श्री राम। प्रभु, आपको मेरे दो प्रश्नों के उत्तर तो देने ही होंगे। देवी, यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे उत्तर देने की सीमा में हुए तो हम अवश्य देंगे। प्रश्न करें। प्रभु, क्या आपने देवर्षि नारद को हनुमान की सहायता के लिए भेजा है या फिर किसी और कार्य से? और दूसरा प्रश्न? और दूसरा ये कि हनुमान ने धन्वंतरी को बिना उनकी इच्छा के अयूर लोक से लाकर उचित किया है या अनुचित? क्षमा करें देवी, किंतु आपके प्रथम प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते। तो अमली, ऐसा विष तो प्रकृति में किसी भी जीव में नहीं पाया जाता। किंतु माते को एक कीट ने दस मारा था ना? जिस कीट ने अंजना को दस मारा था हनुमान, वो कहाँ है? उसी के विष से औषधि बनाकर इस दंश का उपचार हो सकता है। उसे तो मैंने समाप्त कर दिया।